नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। शनिवार 6 मार्च को मुकाबले के तीसरे दिन का खेल जारी है। मोटेरा में खेले जा रहे इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने अपनी स्थिति शानदार बना ली है। आपको बता दें, तीसरे दिन टीम इंडिया की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल ने दिन की शुरुआत की। दोनों ने सदे हुए अंदाज में खेलते हुए एक शानदार पार्टनरशिप बना ली थी। दोनों के बीच 100 रनों से ज्यादा की साझेदारी हुई। इससे पहले ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर के बीच भी 100 रनों से ज्यादा की साझेदारी हुई थी। दोनों काफी सधे हुए अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम इंडिया को एक बड़े स्कोर की ओर भी ले जा रहे थे। अक्षर पटेल न सिर्फ अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे बल्कि वॉशिंगटन सुंदर भी अपने पहले टेस्ट शतक की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन इसी दौरान पारी के 114वें ओवर में बड़ी गलती अक्षर पटेल से हो गई। जी हां, अक्षर पटेल रनआउट हो गए, तब वॉशिंगटन सुंदर 96 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि इसके बाद 2 विकेट और बचे हुए थे, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने सिर्फ 5 गेंदों के अंदर आखिरी 3 विकेट निकालकर वॉशिंगटन सुंदर को उनके मेडन शतक तक पहुंचने से रोक दिया। जी हां, वॉशिंगटन सुंदर एक छोर पर ही खड़े रह गए और बेन स्टोक्स ने पहले ईशांत शर्मा और उसके बाद मोहम्मद सिराज का विकेट निकालकर टीम इंडिया को पहली पारी में ऑल आउट कर दिया। टीम इंडिया अपनी पहली पारी में 114.4 ओवर में 365 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। वॉशिंगटन सुंदर 174 गेंदों पर 96 रन बनाकर नाबाद रहे। इस दौरान उन्होंने 10 चौके और एक छक्का लगाया। आपको बता दें, वॉशिंगटन सुंदर का ये टेस्ट करियर का सर्वाधिक स्कोर भी था। इससे पहले इसी सीरीज के पहले टेस्ट में उन्होंने 85 रन बनाए थे। वॉशिंगटन सुंदर बेहद करीब थे अपने पहले टेस्ट शतक के, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। बेन स्टोक्स ने एक ही ओवर में 2 बड़े झटके देकर वॉशिंगटन सुंदर को उनके शतक तक पहुंचने नहीं दिया। आपको बता दें, टीम इंडिया की तरफ से सर्वाधिक स्कोर ऋषभ पंत ने बनाया। उन्होंने 118 गेंदों पर 101 रनों की पारी खेली। ये उनके टेस्ट करियर का तीसरा शतक भी था। आपको बता दें, टीम इंडिया ने इंग्लैंड पर अब 160 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।